चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज वैक्सीन का शुभारंभ हो गया है सागवाड़ा के पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में और पूरे डूंगरपुर जिले में, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत के अंदर आज लॉन्च हुआ। इसी कड़ी में हमारे यहाँ पे डॉक्टर राजाराम जी मीणा ने शुभारंभ किया और आगे की कड़ी में हम उसके सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने तो लगाया अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा पूरा स्टाफ आपके सामने है, चिकित्सा विभाग जिनको लग चुका है और आगे की कड़ी में अशोक जी से पूछेगा। अशोक जी बताइए, आज कितने जनों को आज लगाया गया है? आज नर्सिंग करीबन स्वास्थ्य कर्मी को इसी श्रेणी में शुभारंभ किन किन से हुआ? डॉक्टर संस्थान के टीमों डॉक्टर राजाराम मीणा, सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र चावा साहब आज बड़ा खुशी का दिन है भारत के अंदर। वैक्सीन का जो कोरोना योद्धा है, पहले उनसे ही शुभारंभ किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर, कोरोना था, लॉकडाउन था, सभी की जान बचाई, सभी को अपनी सेवाएं दी। ऐसे आपके सामने है चिकित्सा कर्मी जिन्होंने रात और दिन अपना पूरा पूरा समय दिया। कि आज बहुत बड़ा टीकाकरण, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है और मेरे को सागवाड़ा में पहला टीका लगा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है और बहुत सभी को लगवाना चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं कह रहा हूँ सभी को, कोई भी जो भी हो, सभी को मोटिवेट करें कि सभी को जाने के टीका लगवाएं। सर आपको कैसे महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने टीका लगवाया है और मैं और सभी मेरे कर्मचारियों से, सभी से मैं कहूँगा कि सभी लगवाएं और हमारे सारे कर्मचारी बिल्कुल इसके लिए तैयार, बड़े उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि मेरे कब लगे। तो आपने जैसे देखा पहले मैं जाऊँ इस तरह से लोग आ रहे हैं। बड़ी खुशी का दिन है, आज वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च हो गई है और सभी जगह ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और हमारे पहले आप व्यक्ति हो जिसको लगाया गया है। सर बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, ये राज्य सरकार की तरफ से कोविड 19 के नियंत्रण और रोकथाम हेतु जो ये टीकाकरण अभियान चलाया है और आज जो सागवाड़ा में शुभारंभ हुआ है और पीएमओ साहब के बाद जो मुझे टीका लगाया गया है, बिल्कुल ये आम टीकों की तरह ही है और ऐसा कोई भी कोई दुष्प्रभाव या ऐसा कोई विशेष कोई परेशानी नहीं है। हम सब आराम से बैठे हैं और बहुत अच्छा हमें अनुभव हो रहा है कि हम इस टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़े हैं और हम लोग इसीलिए पहले जुड़े हैं ताकि आम जनता में भी यही संदेश जाए और यह विश्वास उत्पन्न हो कि यह टीका अपने समाज के लिए और इस बीमारी से रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सर आप बताइए। आज ये टीकाकरण अभियान से मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत अच्छा अभियान हम सफलतापूर्वक संपादित करने की उम्मीद रखते हैं और पीएमओ साहब ने पहले लगवाया, फिर हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर साहब ने लगवाया, फिर मैंने लगवाया। किसी भी तरह का साइड इफेक्ट इसमें हमें नज़र नहीं आता और मैं जैसा पहले स्वस्थ था अभी भी वैसा ही स्वस्थ हूँ। मैं विगत जब से कोरोना आया निरंतर सेवा दे रहा हूँ, 4-5 बार मैंने RT-PCR भी कराया और नेगेटिव आया और मैं हर सरकार की हर स्ट्रेटेजी से जो कोरोना के अगेंस्ट हुई तो बहुत ही प्रसन्नदायक हूँ कि बहुत ही अच्छा भारत सरकार, राजस्थान सरकार के सम्मिलित प्रयास से इस पर नियंत्रण रखा गया और बहुत ही जो आपदाएं बढ़ सकती थी उसको नियंत्रित रखा गया। अतः मैं सभी लोगों से, सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों से निवेदन करता हूं कि कोरोना के नियंत्रण और रोकथाम हेतु टीकाकरण का 100% लगवाया जाना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। तो बताइए, आज आपने सागवाड़ा पंडित दीनदयाल में क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ? आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य चिकित्सालय सागवाड़ा में कोविड वैक्सीन का शुभारंभ हुआ, जिले में मुख्यालय भी हुआ और इसके बाद हमारे सागवाड़ा में हुआ है और यहाँ टीकाकरण में सर्वप्रथम हमारे यहाँ के
इंचार्ज किए वो डॉक्टर राजा राम जी मीणा को पहला टीका लगा, इसके बाद डॉक्टर अधिकारी साहब को लगा, फिर हमारे लेबोरेटरी के प्रभारी डॉक्टर शिंगू जी को लगाया और इसके बाद सभी नर्सिंग स्टाफ और पैरा मेडिकल स्टाफ ने बारी बारी से अपना टीका लगवाया है। टीका लगाने के बाद हम महसूस कर रहे हैं कि इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत ही अच्छा है। और हम आम लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि इस टीके में कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी भ्रम फैलावे, इसकी बातों में नहीं आना है और लगवा देना चाहिए। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टीका है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हमने भी लगवाया था, हमें कोई इसकी परेशानी नहीं हो रही है। और कार्यक्रम बड़ा ही शानदार से और जो भी सरकार की गाइडलाइन है इसके अनुसार ही टीकाकरण कार्य हो रहा है। सभी बारी बारी से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही सब लगवा रहे हैं और सभी कार्यक्रम व्यवस्थित चल रहा है। पंजीकरण और टीकाकरण आज कितने चिकित्सा कर्मियों को लगा? आज लगभग 100 अधिकारी एवं कर्मचारियों को लगाने का लक्ष्य है और उसमें से कम 30-40 को अभी तक लग चुका है और आज शाम 5 बजे तक हम 100 कर्मचारियों को ये आज का टीकाकरण करवाएंगे। क्या इसके अलावा आम पब्लिक का ये अभियान कब से चालू हो रहा है? आम पब्लिक का पहले फ्रंट लाइनर्स जो भी वॉरियर्स हैं उनको, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, पुलिस, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनको लगने के बाद फिर आम पब्लिक को, वो भी सीनियर सिटीजन्स को पहले लेंगे जो 50 साल की अधिक उम्र वाले, और इसके बाद आम पब्लिक को भी भारत सरकार पूरे देश में सबको लगाई कि कोई भी खाली नहीं बचेगा। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम महिपाल सिंह राव, मैं प्रयोगशाला प्रभारी हूँ या और तकनीकी सहायक के पद पर मैं कार्यरत हूँ। सर ये प्रथम चरण में जो आप बता रहे हैं पुलिस विभाग के और 108 के एम्बुलेंस कर्मियों को भी लगा टीका? जी सबको लगेगा। नहीं आज लगा है क्या? आज यदि आपका रजिस्ट्रेशन है और आपके ऊपर मैसेज आया है तो लगेगा। वो क्या है कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो, यूबर के 100 रुपये 100 जगहों पर मैसेज डाल रहे हैं, यदि रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो बिल्कुल निश्चित लगेगा। यदि आपके पे मैसेज आया है तो लगेगा। आज सर बताइए आप इंचार्ज हो तो पहला टीका आज लगा, इसके बाद दूसरा टीका कब लगेगा? कोरोना का फर्स्ट जो वैक्सीन लगता है उसके 28 डेज बाद 4 सप्ताह के बाद दूसरा टीका लगा सकता है। 2 से 3 महीने का गवर्नमेंट ने वैसे टाइम दे रखा, अगर कोई मिस हो जाए तो उतने ड्यूरेशन में लगा सकता है, पर सेफ के लिए आप 4 वीक बाद वापस दूसरा वैक्सीन का टीका लगा सकते हैं। बिल्कुल सेफ है, जैसे आपने देखा दूसरे डॉक्टरों ने, हमारे प्रभारी जी ने, अधिकारी जी ने, सर ने लगा रखा है, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और हमारे स्टाफ ने आज लगाया, करीब 100 जनों का टीका लगेगा। फिर नेक्स्ट जो दूसरा राउंड जो हमारा होगा मंडे को होगा, जिसमें बचे हुए 50 करीब स्टाफ को हम अगला टीका सत्र में, अगले टीकाकरण सत्र में उनको लेंगे। अभी चिकित्सा अधिकारियों के अलावा और किसको लगेगा? जो भी हमारे स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, जो भी मतलब हॉस्पिटल में कार्यरत है, उन सभी का टीका 2 दिन के अंदर। आम पब्लिक को? आम पब्लिक का जैसे गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होगा, उसके लिए आदेशित करेंगे, निर्देश देंगे। सर जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मतलब तो टीकाकरण के लिए छूट दिया जाएगा, यूँ नहीं अभी तरह कोई हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं है। अभी ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है जो गवर्नमेंट राजस्थान की सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अवेलेबल हुआ हमारे को, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं। ओके थैंक यू। कर्मी अपनी सेवाएं देते हुए डॉक्टर गौरव जी पाठक को वैक्सीन लगाते हुए हमारे पूरा कर्मचारी लगे हुए हैं। सर आपको वैक्सीन लगा है, 2 मिनट का समय है तो बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर वैक्सीन लगा है और जैसा कि जो सरकार के जो आदेश है, जो निर्देश आए थे, उसके हिसाब से आज जो भी हैं कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंट लाइन है उनको वैक्सीन की शुरुआत की गई है। तो उसमें यहाँ पे जो लिस्ट में जो नाम थे उन हिसाब से यहाँ पे वैक्सीन लगा है और सारे कर्मचारी वगैरह उनको नियमानुसार जो भी है एक के बाद एक वैक्सीन लगाए जा रही है।
वैक्सीन लगा है, वैक्सीन लगाने के बाद चिकित्सा कर्मी अपनी सेवा है भी सिर्फ 10 मिनट के बाद दे रहे हैं। बड़ी खुशी का पल है ये। सर बताइए, 10 मिनट पहले ही आपको वैक्सीन लगा और आप सेवा दे रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अभी तो मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और अच्छा महसूस कर रहा हूँ वैक्सीन लगाने के बाद। 10-15 मिनट हुई है मुझे वैक्सीन। आपने काफ़ी अच्छी सेवाएँ दी, तो इसके बारे में बताइए क्या हो रहा है, शुभारम्भ कैसे हुआ? आज पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुभारंभ करवाया गया और उसके बाद में ही हमारे यहाँ पर टोटल 180 डोज हमको सागौड़ा हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए मिली। और हमने यहाँ पर सर्वप्रथम PMO डॉक्टर राजाराम जी मीणा के वैक्सीनेशन करके और जनता में सुनते जनता तक सबसे पहले हमारे जो प्रमुख डॉक्टर हैं यहाँ पर उनका शुभारम्भ करवा करके इस तरह से हमने यहाँ पर शुभारम्भ कराया और अब तक हमने 15 लोगों को वैक्सीनेशन करा चुके हैं और क्योंकि अभी ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर बैठे हैं और ऑब्जर्वेशन में हमारे डॉक्टर्स के डॉक्टर रोहित जैन फिजिशियन है उनके इनके ऑब्जर्वेशन में सबको हम ऑब्जर्वेशन करा, उनको आधे घंटे बाद हम यहाँ से रवाना करेंगे, यहाँ से फ्री करेंगे। 100 करीबन लगने का टारगेट है टोटल। आज 100 लोगों की लिस्ट हमारे पास में आई है, इन 100 लोगों को हम आज वैक्सीनेशन सागौड़ा अस्पताल में कराएंगे और जो बचे हुए जो 40 लोग हैं जिनका कि सोमवार को यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा। 100 जनों का वैक्सीन टीकाकरण हो गया है, 40 जनों का सोमवार के दिन होगा और आपको बड़ी खुशी हुई है। आज सागवाड़ा शहर कहो या डूंगरपुर जिला कहो, वहाँ पे खुशी की लहर है। जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आज ये वैक्सीन का शुभारंभ 10 बजे के करीब करीब किया और हमारे यहाँ सागवाड़ा पंडित दीनदयाल में भी इसका आरम्भ हो गया है। ये हमारे चिकित्सा कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सेवा के साथ साथ वैक्सीन के लिए बड़ी खुशी है इनके। मैडम वैक्सीन आ गई तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। लोगों की जान जोखिम में जो थी वो बहुत अच्छा मतलब फील कर रहे हैं। ये हमारे सामने है कोरोना योद्धा जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर सभी जगह कोरोना था लॉकडाउन का अपनी सेवाएं दी। तो सर बताइए आज आपको कैसा महसूस हो रहा, आपने वैक्सीन लगाई तो? आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अपन इतने 10 महीने से कोरोना वैक्सीन के लिए मतलब ट्राई कर रहे थे और बीमारी से लड़ रहे थे, हमारे को भी रिस्क थी काफ़ी कि पेशेंट के बीच में रह के काम करना पड़ता था। आज बहुत खुशी की बात है कि कोरोना की वैक्सीन हमें इंडिया में लॉन्च हुई और सबको इससे मतलब लगवानी चाहिए, बीमारी से सुरक्षा मिलेगी। बहुत अच्छा। मैडम बताइए, वैक्सीन का शुभारंभ हो गया है और आपके यहाँ पे पंजीकरण भी हो रहा है, तो बताइए आज कितने हैं? हेलो, टीका का शुभारंभ हो गया है, व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, काम शुरू है, स्टाफ भी लगभग लग रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू।